नीरज कुमार है, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। मेरे को 2 साल से हाथ में समस्या थी, हथेली अंदर से सूख गई थी और उंगलियाँ सूखने लगी। फिर मैंने उदयपुर GBH हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरव सर को दिखाया, उन्होंने सारी जांचें करवाई और उसमें सर्जरी के लिए सर ने एडवाइज किया था, जो सर्जरी की। और सर्जरी के बाद मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ और अभी लगभग 1 महीने ही हुआ है। उसके अंदर मैं काफ़ी मतलब ब्लड सर्कुलेशन से होने लगा है और पूरा ये हाथ भी हल्का हल्का ही मूवमेंट करने लगा है और गर्दन भी मूवमेंट करने लगी है। और मैं भी ऐसी अगर किसी को समस्या हो, मैं यही सलाह देता हूँ आप कहीं इंतजार ना करें, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुका था, 2 साल पहले का हो गया था। तो आप जल्द से जल्द GBH हॉस्पिटल डॉक्टर सर गौरव सर को दिखाएं और अपना इलाज कराओ, ताकि बेहतर इलाज के लिए आप जल्दी ही गौरव हो। मैं आज जिस पोजिशन पर पहुँचा हूँ उसके लिए मैं वो GBH हॉस्पिटल और यहाँ के पूरे स्टाफ को और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गौरव गुप्ता है, मैं GBH मेडिकल हॉस्पिटल भटजी की बाड़ी में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। पेशेंट मिस्टर भागीरथ कुमार हमारे पास आए थे, उनकी समस्या थी कि 2 साल से उनकी राइट हैंड की जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, साइन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, लिखा पढ़ी में प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी काम भी नहीं कर पा रहे थे। 2 साल से अलग अलग जगह भटक के काफ़ी दवाइयाँ लेने के बाद भी उनको किसी प्रकार से कोई आराम नहीं था, और जांचों के बाद हमको पता लगा कि गर्दन पे जो गर्दन और स्पाइन का जंक्शन होता है वहाँ पे उनकी बोन जो ओपनिंग है वो बहुत छोटी थी और उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और इसकी वजह से उनका जो राइट हैंड है उसमें पूरे में वीकनेस आ गई थी। ये वीकनेस उनके दूसरे हाथ पैर में आने के चांसेस थे, इसके लिए हमने उनको सर्जरी एडवाइस करी और हमने उनको ऑपरेशन किया। गर्दन के पीछे वाले भाग में डेलिकेट भाग होता है, छोटा ब्रेन रहता है, वहाँ पे वाइटल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और वो ऑपरेशन करने के बाद उनको फिजियोथेरेपी स्टार्ट की गई। अभी 1.5-2 महीने के बाद भी वो अपने लिखना उनका वापस चालू हो गया है, ताकत आ गई है और ऑलमोस्ट 30-40% जितना का उनको आराम आया है। तो ये सर्जरी काफ़ी बेनिफिशियल है, रिस्की है, बट इस सर्जरी के रिजल्ट्स हैं और आज हमारे पेशेंट काफ़ी खुश हैं सर्जरी से।